नमस्कार, आप देख रहे हैं सिल्क टीवी और मैं हूं आपके साथ निशा। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। बिहार के भागलपुर में सोमवार को भागलपुर के लाल मुकेश कुमार ने सैंडिस कंपाउंड में अपने ही एक रिकॉर्ड को तोड़ते हुए पुशअप में नया रिकॉर्ड बना दिया। भागलपुर के लाल ने यह कमाल सोमवार की सुबह करीब 8 बजे से शुरू कर 2.5 घंटे में कर दिखाया, जिसमें मुकेश ने एक वर्ष पूर्व 2022 में 2500 पुशअप मारकर इंडिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड और एशिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करा लिया था। और सोमवार को अपने ही रिकॉर्ड को तोड़कर मुकेश ने 4040 पुशअप लगाकर एशिया बुक में नया रिकॉर्ड बना डाला। मुकेश कुमार ने नया रिकॉर्ड बनाकर एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करा लिया है। भागलपुर के कुतुबगंज निवासी मुकेश कुमार ने लगातार 2.5 घंटे तक पुशअप करते हुए 4040 पुशअप लगाया, जिसे देखकर वहां मौजूद सभी अतिथि और युवा ने मुकेश की जमकर तारीफ करते हुए बधाई एवं शुभकामनाएं दी। बता दें कि मुकेश अभी NCC-4 बिहार बटालियन में ड्रिल इंस्ट्रक्टर के तौर पर कार्यरत है और NCC कैडेट को प्रशिक्षण देते हैं। इससे पूर्व गरीबी से अपना बचपन गुजारने वाले मुकेश के पिता की मृत्यु काफी पहले ही हो गई थी, जिसके बाद उनके चाचा और गुरु के साथ साथियों का बेहतर सहयोग मिला, जिससे कराटे में ब्लैक बेल्ट प्राप्त कर मुकेश ने स्नातक की शिक्षा भी पूरी की। वहीं मुकेश अपनी सफलता का श्रेय अपने चाचा और गुरु के साथ अपने मित्रों और कई लोगों को दिया। वहीं एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड की ओर से भागलपुर पहुंचे रिप्रेजेंटेटिव सौरभ सिन्हा की मौजूदगी में 4040 पुशअप लगाने के बाद मुकेश को एशिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की ओर से इस उपलब्धि के लिए सराहना की गई। मौके पर मुकेश को देखने के लिए काफी संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ी रही और सभी ने बाद में बधाई देकर मुकेश के साथ सेल्फी भी ली। नमस्कार, मैं हूं रविशंकर सिन्हा और आप देख रहे हैं सिल्क टीवी। हम मौजूद हैं भागलपुर के सैंडिस कंपाउंड में, जहां हिंदू पुशअप का एशिया वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड में जो नाम दर्ज कराने वाले मुकेश जी हैं, अभी उन्होंने 4040 पुशअप लगाया है और हम उनसे बात करेंगे, जानेंगे कि क्या कहना है इनका, क्या कैसा लग रहा है। प्रैक्टिस कीजिए। इसी के साथ हमारे वासुदेव चाचा हैं, अच्छा फील कर रहे हैं। इसके साथ हमारे जिला इतने बड़ा रिकॉर्ड बनाए हैं आप जी, और काफी लोग आ भी रहे हैं, कोई लोग खराब भी रहे हैं। कैसे जर्नी किस तरह से शुरुआत हुई? ये हमारे आप गुरुजी से पूछिए, वो अच्छे से आपको जवाब दे देंगे। हम उसके मार्गदर्शन में कर रहे हैं, आपको हमेशा मोटिवेट करते रहे हैं। यूथ के लिए क्या कहेंगे? यूथ के लिए, आने वाले नए पीढ़ी के लिए बल प्रदान करना, उसके लिए मैं यही कहना चाहता हूँ कि बस आप फल की चिंता मत कीजिए, आप लगातार मेहनत करते रहिए, वो आपके कदमों के पास खुद आ जाएंगे। 3500 का आपने लक्ष्य रखा था, 4000 पार कर दिया। मैं इसीलिए 3500 बोला था ताकि शरीर है, सारणिक है, कभी भी धोखा दे सकते हैं, जिसके कारण मुझे पता था पहले कि मैं 4000 मारूंगा, लेकिन मैं इसलिए नहीं बोला। अगर हम 3500 अगर बोल करके, अगर जहाँ मैं 3400 लगाता हूँ तो आप लोग भी सवाल करेंगे, आपने 3500 बोला, इसीलिए करके अगर हम 3500 बोल करके अगर हम 4000 लगाएं तो इससे किसी को कोई परेशानी नहीं हो सकती है। इसके पहले ही भागलपुर में कुछ अलग अलग कारण से 20 रिकॉर्ड बने हैं जी सर, जो कई सराहनीय काम हुआ, और लेकिन इस तरह का ये पहली बार हुआ है, तो इसके लिए ये कितना बड़ा संघर्ष, बड़ा सफर रहा ये? बस हम अपने गुरुजी के मार्गदर्शन में हम मेहनत करते गए, वो जो भी है हमारे गुरुजी से दीपक सिंह हुए। कोई टिप्स देना चाहेंगे? नहीं, हमारे गुरुजी के पास आइए, उनके पास बहुत सारे टिप्स हैं। आप तो कर रहे हैं, हाँ क्या आपको तो टिप्स मिला उनसे, तो आप बताना चाहेंगे? हम यही बताना चाहते हैं कि आप लगातार मेहनत करते रहिए। भारत रत्न नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर सोमवार को भागलपुर में कई कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसको लेकर सोमवार की सुबह बिहार बंगाली समिति की ओर से भव्य प्रभात फेरी निकाली गई, जिसमें काफी संख्या में समिति के अलावा कई संगठन एवं समाज के लोग शामिल हुए। इस दौरान बाजे गाजे के साथ नेताजी सुभाष चंद्र बोस की वेशभूषा में घोड़े पर सवार होकर निरुपम कांति पाल ने प्रभात फेरी में हिस्सा लिया, जबकि रथ पर बैठकर सुनंदा रक्षित भारत माता की भूमिका में तिरंगे के साथ नजर आई। प्रभात फेरी शहर के कई मार्गों से गुजरी और कई विद्यालय के हर आयु वर्ग के छात्र छात्राओं एवं शहरवासियों ने सुभाष चंद्र बोस के सम्मान में नारा भी लगाया। इसके अलावा लाजपत पार्क में सुभाष संघ परिवार एवं बिहार बंगाली समिति द्वारा नवनिर्मित सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का लोकार्पण समारोह आयोजित किया गया। इस दौरान महापौर डॉक्टर वसुंधरा लाल, उप महापौर सलाउद्दीन हसन, बिहार बंगाली समिति के समिति सदस्य और कई गणमान्य लोगों ने संयुक्त रूप से नेताजी की आदमकद प्रतिमा का लोकार्पण किया। वहीं इस दौरान नेताजी के द्वारा देश के लिए की गई योगदान को याद करते हुए लोगों ने जमकर नारेबाजी की और देश प्रेम के साथ उनके आदर्शों पर चलने का संकल्प भी लिया। इस दौरान पूरा परिसर भारत माता की जय
और नेताजी के समर्थन में किए जा रहे नारों से गूंजता रहा। मौके पर काफी संख्या में शहरवासी और कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। देश नायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 126वें जन्म जयंती पर मैं शहरवासियों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ और शुभकामनाएं देती हूँ। और उनमें जो जज्बा था देश प्रेम की, युवाओं को प्रेरित करती थी, तो मैं यहाँ के युवाओं को, बिहार के युवाओं को, भागलपुर के युवाओं को, भारत के युवाओं को उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए कि उनमें देश प्रेम की भावना कितनी कूट कूट करके भरी हुई थी। वो संघर्षरत रहे सदा और देश प्रेम के चलते उन्होंने अपने कई सुख शांति को त्याग दिया और देश प्रेम में लग गए। और जब तक संपूर्ण आज़ादी नहीं मिलेगी तब तक शांति नहीं लेंगे, इसका नारा उन्होंने दिया। बिहार बंगाली समिति की ओर से सोमवार को प्रत्येक वर्ष की तरह नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर आदर्श रक्तदान उत्सव का आयोजन किया गया। 14वां आदर्श रक्तदान उत्सव को लेकर आदमपुर से दुर्गा चरण प्राथमिक विद्यालय परिसर में भव्य तैयारी की गई थी, जहाँ मायागंज अस्पताल रक्त अधिकोष की टीम द्वारा इच्छुक लोगों का रक्त संग्रहण किया गया। इस दौरान समिति के सदस्यों और युवाओं के अलावा शहर के अलग अलग जगह से आए हर आयु वर्ग के पुरुष, महिला एवं युवाओं ने रक्तदान किया और आम लोगों को भी रक्तदान के लिए प्रेरित किया। वहीं कार्यक्रम के दौरान महापौर और उपमहापौर के अलावा कई गणमान्य लोग और समिति से जुड़े लोग भी मौजूद रहे, जबकि इससे पूर्व नेताजी के चित्र पर सभी लोगों ने पुष्प अर्पित कर नमन किया। इधर कार्यक्रम को लेकर समिति के सचिव जयजीत घोष ने कहा कि देश के महानायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर रक्तदान उत्सव आयोजित कर जरूरतमंदों के लिए रक्त संग्रहित करना उद्देश्य है, जबकि हर वर्ष लोग इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। उन्होंने कहा कि आगे भी समिति द्वारा ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे जिससे जरूरतमंद और आम लोगों को मदद मिल सके। जन्म जयंती पर हम लोग ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किए हैं। हर साल की तरह इस बार भी आयोजन किए गए 15वां हम लोग का ब्लड डोनेशन कैंप है। भागलपुर में रक्तदान की जागरण बिहार बंगाली समिति के द्वारा किया गया है। आज जो भागलपुर में रक्तदान का जो जागरण हुआ है वो बिहार बंगाली समिति का देन है। हम लोग जिस दिन पहले ब्लड डोनेशन कैंप किए 25 यूनिट ब्लड लेके हम लोग शुरू किए, आज हम लोग 170-160 यूनिट हम लोग हर साल ब्लड बैंक में जमा करते हैं। अब वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे, देखते रहिए सिल्क टीवी। नमस्कार, सबकी तरह मैं मेहनत करने से पीछे नहीं हटता, हमारी मेहनत ही हमें जीवन में आगे लेके जाती है। कई बीमारियां ऐसी हैं जो हमारे कदम को जिंदगी भर के लिए रोक देती हैं। भारत में सालाना हजारों लोग हाथी पांव नाम की बीमारी की चपेट में आकर जीवन भर के लिए अपाहिज हो जाते हैं। मलेरिया की तरह ही हाथी पांव एक मच्छर के काटने से फैलता है और ये याद रखिए कि हाथी पांव का कोई इलाज नहीं है। गांव, शहर, अमीर, गरीब, हर जात और धर्म की रेखा पार कर किसी को भी अपनी जकड़ में ले सकता है हाथी पांव। पर डरे नहीं, इसका बचाव आसान है। साल में सिर्फ एक बार सरकार द्वारा दी हुई मुफ्त दवाएं खाएं और इस बीमारी से अपने आप को और अपने परिवार को बचाएं। याद रखिए, खुशहाल होगा शहर और गांव जब जड़ से मिटेगा हाथी पांव। स्वास्थ्य विभाग बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी। ब्रेक के बाद फिर से एक बार आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भागलपुर आनंदराम ढंडनिया सरस्वती विद्या मंदिर में परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम के तहत पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस दौरान कार्यक्रम का नेतृत्व भाजपा जिला अध्यक्ष रोहित पांडे ने किया, जबकि कार्यक्रम का संयोजन भाजपा कला संस्कृति प्रकोष्ठ की प्रदेश प्रवक्ता श्वेता सुमन ने किया। वहीं कार्यक्रम के दौरान भाजपा के कई नेता ने भी अपनी बातें रखी। इधर भाजपा नेताओं ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परीक्षा से पहले परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम चला रहे हैं और वर्ष 2018 से छात्रों से परीक्षा के तनाव को दूर करने के लिए संवाद कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। वहीं कार्यक्रम के दौरान देश भर के 9वीं से 12वीं कक्षा तक के बच्चों ने चित्रकला प्रतियोगिता में भाग लिया, जहां कला का प्रदर्शन किया गया। वहीं आयोजन समिति के सदस्यों ने बताया कि 27 जनवरी को परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम में विजयी प्रतिभागी एवं भाग लेने वाले सभी प्रतिभागियों का सम्मान भागलपुर की मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल के द्वारा किया जाएगा। 27 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी परीक्षा पर चर्चा के माध्यम से
स्कूल के बच्चों के साथ संवाद का कार्यक्रम है। उससे पूर्व जो है एक ड्राइंग कंपटीशन, बच्चों के अंदर क्रिएटिविटी का की भावना का विकास हो, तो इस नाते पूरे देश भर में ऐसे ड्राइंग कंपटीशन रखा गया था। और 27 तारीख को इस ड्राइंग कंपटीशन में जो बच्चे प्रथम द्वितीय तृतीय आएंगे और बाकी जो भी पार्टिसिपेंट रहेंगे उनको परीक्षा पर चर्चा के कार्यक्रम के बाद एक पुरस्कार का वितरण का कार्यक्रम होगा। हम सभी लोग जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी जिस प्रकार से इस देश को बनाने में लगे हुए हैं, देश को सर्वांगीण विकास में लगे हुए हैं, देश पुनः विश्व गुरु बने इस भाव के साथ जो काम कर रहे हैं, तो इसके साथ साथ वर्तमान को ठीक करने के साथ साथ भविष्य भी हमारा कैसे बेहतर हो, तो उस बेहतर भविष्य के लिए जो नींव है भारत की आत्मा इन बच्चों में निवास करती है और यही आगे भविष्य होंगे, भारत के भविष्य यही बच्चे होंगे। पीरपैंती प्रखंड के ई किसान भवन में खाद उर्वरक समिति की बैठक आयोजित हुई, जिसकी अध्यक्षता प्रखंड प्रमुख रश्मि कुमारी ने की। वहीं बैठक में प्रखंड कृषि पदाधिकारी अनिल कुमार सिंह ने बताया कि सभी दुकानदार उचित मूल्य पर किसानों को उर्वरक उपलब्ध कराएं, जिससे किसी किसान को परेशानी नहीं हो। उन्होंने कहा कि प्रखंड में 38 लाइसेंसी दुकानदार हैं, जबकि इसके बाद भी किसानों को उचित मूल्य पर खाद नहीं मिलता है और इसकी कालाबाजारी की जाती है। प्रखंड कृषि पदाधिकारी ने कहा कि किसानों से ज्यादा पैसा लेकर खाद लेना पड़ता है, जिसके कारण कालाबाजारी को लेकर उन्हें किसान द्वारा आवेदन भी प्राप्त हुआ है। साथ ही कहा कि कालाबाजारी करने और किसानों को बेवजह परेशान करने वाले दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मौके पर कांग्रेस नेता सुरेंद्र सिंह, उप प्रमुख अंजू सिन्हा, मुखिया अरविंद शाह सहित खाद विक्रेता मौजूद रहे। निर्देश दिया गया कि भाई सभी उचित मूल्य पर उर्वरक, यूरिया, कोई भी उर्वरक हो उसको बेचें। MRP जो है सब बोरा में लिखा रहता है, पॉस मशीन से उसकी बिक्री होती है और पॉस मशीन से उसका रिसीट निकलता है 266 का, पॉस मशीन से 266 का रिसीट निकलता है, वही रिसीट उसको किसान को मिलता है। ऑल इंडिया DSO द्वारा नाथनगर स्थित स्कूल में देश के महानायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाई गई। इस दौरान नेताजी सुभाष चंद्र बोस की तस्वीर लगाकर जुलूस निकाला गया, जो बाद में नेताजी सुभाष बोस चौक नाथनगर पहुंचकर सभा में तब्दील हो गया। कार्यक्रम की शुरुआत नेताजी की मूर्ति पर पुष्पांजलि से हुई, जबकि इसके बाद सभा को संबोधित करते हुए साधना मिश्रा ने कहा कि सड़क के किनारे भीख मांगने वाली महिला की स्थिति और महान वीर सपूत अमर शहीद खुदीराम बोस शहादत की घटना को देखकर नेताजी ने अपने जीवन की सभी सुख सुविधाओं का त्याग कर दिया। साथ ही कहा कि आजादी के बाद सबों को आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक आजादी मिले, यही सपना नेताजी का था। कार्यक्रम की अध्यक्षता दीपक कुमार ने की, जबकि संचालन रवि कुमार सिंह ने की। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।